Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic process of communication. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. तो कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल पॉइंट है या फंडामेंटल चीज़ है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की. अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो किस तरह हम अपने शेयर अपने व्यूज़ को अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन. सो लेट इज डिस्कस इट इन अ मोर. तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रेफर करता है ट्रांसमिशन और पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है एक सिलेक्टेड चैनल के थ्रू किस तरह वो कम्युनिकेट कर रहा है टू अ रिसीवर विदाउट अफेक्टिंग इट. सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक, सेंडर से बिगन होती है और रिसीवर तक ख़त्म हो जाती है. इट मस्ट बी अ कॉन्टीन्यूस अ डायनामिक इंट्रैक्शन जहाँ पर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हों, या फिर एक तरह की भी हो सकती है, या मतलब वेरिएबल से इफेक्टेड या नॉन इफेक्टेड भी. सो अगर हम बात करें तो किस तरह एक सेंडर इनकोड करता है अपना मैसेज और रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर से डिकोड करता है. और हमने जैसे बोला कि एक सिलेक्टेड चैनल की थ्रू, तो वो मे बी फ़ोन हो सकता है, ईमेल्स हो सकती हैं, या किसी के भी थ्रू हो सकता है. तो प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला है सेंडर. सेंडर वो है जो मैसेज जनरेट करता है और रिसीवर तक कन्वे कराता है. He is the source जिसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया है. देन अदर इज मैसेज. मैसेज वो आइडिया, इंफॉर्मेशन या व्यू या वो कोई फीलिंग है जो सेंडर ने जनरेट की है, जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, जिसे हमें दूसरे तक पहुंचाना है. द थर्ड इज इनकोडिंग. तो जो मैसेज सेंडर ने जनरेट किया है उसे हम सिम्बॉलिकली इनकोड करेंगे, चाहे वो वर्ड्स है या पिक्चर्स है, किसी की भी फॉर्म में, इससे पहले जब मतलब कन्वे करने से पहले. देन द अदर इज़ ए मीडिया. इट इज़ द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज, जो भी मैसेज सेंडर ने इनकोड किया है उसे ट्रांसमिट कैसे करना है, उसको मीडिया कहते हैं. तो या तो हम उसे बोल के करेंगे या लिख के करेंगे, वो जिस तरह से उसे करेंगे दैट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट हो सकता है टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकते हैं, ये डिसाइड करता है सेंडर जिसने मैसेज को सेंड करना है. देन द अदर इज़ डीकोडिंग. तो ये प्रोसेस है कन्वर्टिंग द सिम्बल्स जो भी इनकोड किए गए हैं सेंडर से, उसको डिकोड करना. मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है कि एक्चुअली में सेंडर ने क्या बोलना था, उस मैसेज को समझना. देन देयर इज रिसीवर. तो ही इज़ द पर्सन जो सबसे लास्ट है इस चेन में और जिसके लिए मैसेज सेंडर ने भेजा है. तो जब एक बार रिसीवर मैसेज रिसीव कर लेता है और उसका पर्सपेक्टिव समझ लेता है, उसे डिकोड कर लेता है, तो जो पर्पज़ है कम्युनिकेशन का वो सक्सेसफुल हो जाता है. एंड द लास्ट इज़ द फीडबैक. तो वैन एक बार जब रिसीवर ने ये मैसेज समझ लिया, सेंडर ने क्या भेजा, रिसीव कर लिया, तो जो भी अब उसे वापस भेजना है कि यस आई रिसीव्ड इट, ये सब चीज़ें, तो प्रोसेस जो होती है कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो जाता है. कुछ और एलिमेंट्स जो हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ ए नॉइज़. तो नॉइज़ एक ऑब्स्ट्रैक्शन है जो सेंडर इस मैसेज या रिसीव किसी से भी हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कनेक्शन सही नहीं होना, फॉल्ट इनकोडिंग में कुछ फॉल्ट होना या डीकोडिंग में कुछ फॉल्ट होना, दैट इज़ द हम उसे नॉइज़ कह सकते हैं. सो ये कुछ फ्लो चार्ट है. देखो द सेंडर ने डिसाइड किया कि मैसेज क्या ट्रांसमिट होना है, उसने मैसेज को इनकोड किया, द सेंडर सेलेक्ट कर किस चैनल से वो कम्युनिकेट होना है, देन रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, मैसेज को डीकोड किया और सेंडर को फीडबैक पहुंचाया कि उसने मैसेज रिसीव कर लिया. सपोज़ मुझे यहाँ से कोई चिट्ठी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो आउट ऑफ स्टेट रहते हो, मुझे उन्हें मैसेज पहुंचाना है, तो सबसे पहले मैं मैसेज अगर मैंने पहुंचा तो मैं डिसाइड करूँ मुझे क्या मैसेज पहुंचाना है. मुझे पहुंचाना है कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, तो मैं उसे डीकोड करूँगी, मैं भी उससे मैं लिखूँगी एक वर्ड्स में. देन मैं चैनल सोचूंगी मुझे व्हाट्सअप करना है, आजकल ज़माने बहुत तरक्की हो गई है, या फिर मुझे उसे चिट्ठी के थ्रू भेजना है. रिसीवर रिसीव करेगा मैसेज, वो पढ़ेगा उसे और जानेगा और फीडबैक पहुंचाएगा कि हाँ भाई मेरे को तुम्हारा मैसेज पहुंच गया. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर. तो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रेफर करता है किस तरह से ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंडर से ये रिसीवर तक जाती है, उसके पूरे ट्रांसमिशन को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताता है कि कैसे होता है विदाउट इफेक्टिंग इट, या फिर जो भी बैरियर्स को हमें ओवरकम करना है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.